मैं मनीष गौर सोमनाथ कंपनी से, और आज हम आए हैं टिमंडी के विकास खंड निमाचा खुर्द में। और हमारी किसान भाई ने हमारी कंपनी का एक सॉइल सेवियर खाद यूज़ किया है, और आज हम जानेंगे हमारे किसान भाई से कि सॉइल सेवियर का उनको उनके खेतों में क्या रिज़ल्ट मिला है। नमस्कार, जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। क्या नाम लिखते हैं सर आप? मेरा नाम हर्षित गौर है। और कहाँ से हैं आप? टिमंडी से जी। और आप कि लोकेशन बता दीजिए पहले तो। ये निमाचा में जो ज़मीन है जी, यहाँ पर अपन ने सॉइल सेवियर यूज़ किया था। मक्का की सोमनाथ कंपनी मक्का की फसल में। हाँ अच्छा, आपका मोबाइल नंबर और बता दीजिए सर। 9634499245। अच्छा, आज हम जानेंगे किसान भाई से कि हमारी सॉइल सेवियर खाद का उनके खेतों में कितना अच्छा रिजल्ट मिला और वो संतुष्ट हैं या नहीं है। तो आइए सर बताएंगे आपने सॉइल सेवियर कहाँ पर डाला हुआ है। अपन ने यहाँ पर ट्राई करके देखा था, यहाँ पर उन्होंने ट्राई किया हुआ है हमारे सॉइल सेवियर कंपनी का। तो देखने को तो हमें ये दिख रहा है कि प्रॉपर हाइट है और ग्रीननेस है इस खेत में, मक्का की हाइट भी अच्छी है। और ये आगे भी देखिएगा बहुत मतलब अच्छा कलर भी आ चुका कलर है। आ चुका है। हाँ, और जो पहले पीलापन था, जैसे कि ये साइड में जो दिया है यहाँ पे नहीं डाला, यहाँ नहीं डाला, यहाँ पर जो पीलापन है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग ही है, ये पीलापन दिख रहा है। और हाइट भी प्रॉपर यहाँ पर देखने में आ रही है कि कम है। हमारे सॉइल सेवियर खाद की हाइट जो मक्का में डाला हुआ है उसकी हाइट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ग्रोथ किया उसने, ग्रोथ किया है जी। अच्छा सर, आप संतुष्ट हैं हमारे सॉइल सेवियर से? जी बिल्कुल। और आगे की फसल में आप यूज़ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका, जिससे अपनी ना यील्ड भी नहीं लगी उसमें और बहुत सही समय पे ग्रोथ भी कर ली उसने। और अगली फसल में आप यूज़ करेंगे आप? जी बिल्कुल। और आने वाले अपने समय भी हर फसल में आप यूज़ करेंगे? बिल्कुल डालना ही चाहिए उससे, एक तो उसमें 7 तत्व है जिससे ज़मीन भी उपजाऊ हो जाती है अपनी। हाँ, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, जिससे अदर बेनिफिट भी हैं जो अपन खेत नहीं बना पाते हैं सही से, जिससे अपनी ज़मीन उपजाऊ नहीं हो पाती। हाँ, है वो ये चीज़ों की पूर्ति कर देता है अपन उसमें। हाँ, खेतों में मिट्टी को भुरभुरा बना के रखता है। हाँ, रखता है। और अदर तत्व हम जो नहीं दे पाते हैं वो मिल जाते हैं। बहुत से किसान हैं जिनके पास गोबर नहीं मिल पाता है, जो खाद नहीं डाल पाते हैं उसकी, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, जिससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। जो अपना जो गोबर वाली खाद जो काम करती है वही प्रकार में ये कर। अन्य किसान भाइयों को क्या आप सूचना देना चाहेंगे? अन्य किसानों को तो यही बोलूँगा कि ये बिल्कुल डालना चाहिए, इससे बहुत सारे बेनिफिट हैं। ये बेनिफिट तो हैं, उसके बाद भी जो अदर फसल है उसमें भी बहुत बेनिफिट है। बहुत धन्यवाद। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ।